हमारे यहाँ पर बॉर्डर अगर कोई क्रॉस करता है उसके पास अगर 2 किलो गांजा या 250 ग्राम भी गांजा होता है तो हमारी मिलिट्री और ATS को मालूम पड़ जाता है कि गांजा लेके आ रहा है। श्रीनगर जम्मू वो एक ऐसी क्षेत्र है कि जहाँ साइकिल वालों की भी तलाशी होती है, जहाँ चप्पल पहन के आप साइकिल या वाहन नहीं चला सकते चप्पल पहन के भी। खैबर पख्तून हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी, खैबर पख्तून के अंदर 300 मोबाइल एक्टिव थे। हमने जब स्ट्राइक करी तो ये भी ऊपर सैटेलाइट के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी को मालूम था कि 300 आतंकवादी वो मार दिए गए क्योंकि 300 मोबाइल वहां एक्टिव थे। तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है और ये चीज आप भी सबसे पूछना कि पुलवामा में 350 किलो RDX फिर कहां से आया? सब कुछ पता चल सकता था तो ये क्यों नहीं पता चल? तो मेरा मतलब ये है कि पुलवामा अटैक किसी आतंकवादी ने नहीं कराया था। जो बटालियन हमारी थी 22 नंबर की बस में थी वो, और बटालियन जो रहती है वो 72 बटालियन थी, उसमें 2500 हमारे सैनिक थे, उसमें यूपी के कुछ बटालियन के सदस्य उस बस में बिठाए गए, बिहार की कुछ बटालियन के सदस्य उस बस में बिठाए गए, मध्य प्रदेश की बटालियन के कुछ सदस्य उसमें बिठाए गए, छत्तीसगढ़ के कुछ सदस्य उसमें बिठाए गए, और उस बस को 4th नंबर पे आने के बाद ही उसमें ब्लास्ट हुआ। ऐसा क्यों? 350 किलो RDX मैं यही पूछ रहा हूँ, मैं देश भर से पूछ रहा हूँ, और मैं जब भी सोशल मीडिया पे भी डालता हूँ तो मुझे ये गाली दी जाती है कि तुम देशद्रोही, तुम भारत के हो ही नहीं। तो मैं अगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुझे ये बताएं कि ये 350 RDX कहाँ से आया था? खैबर पख्तून का 300 मोबाइल एक्टिव हुए वो तुमको सैटेलाइट से उपलब्ध हो रहा है यार, सैटेलाइट से 350 मोबाइल जो एक्टिव हुए वो तुमको एक्टिव हो रहा है वो, तो 350 की RDX कहाँ से आए ये तुमको एजेज ही नहीं होगा, बात ही नहीं हो रही है। तो उसका हत्यारा कौन और उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं है? बस जय श्री राम भाई साहब। नहीं भाई साहब, बहुत एक ही मुद्दा बहुत ही है, क्योंकि देश की सेना से तो हर व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, वो वहाँ पे कितना त्याग करते हैं। सारे अलग अलग जितने भी सेना के मतलब अलग अलग प्रदेशों के जवानों को रोका गया वहाँ, और उसमें एक ही बस बिठाया गया, और ये सेंटिमेंट्स हैं क्योंकि बिहार और यूपी ही भारत की राजनीति तय करता है, वही तय करता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ सबके राजस्थान के भी लोग बहुत रहते हैं सेना में, उसमें तो इतने सारे। और बाकी बताओ, बाकी और जगह की रेजिमेंट गिरी है बहुत, ये तो यार मतलब हद हो गई, ये हकीकत है भाई साहब इस देश की। ये कितनी महत्वपूर्ण बात कही, मतलब ये तो मतलब आप अपना भी इतना डीप चिंतन नहीं गए, आदमी हो ज्यादा सोचता तो घुटने का।